नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमबी न्यूज 27 में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान वर्णवाल। दरभंगा जिला के आधारपुर में हुए महिला के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ आज आयशा एपुआ के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित नागार्जुन मूर्ति से कांग्रेड भोगेंद्र झा चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व आयशा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, सनीचुरी देवी, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किया। वहीं आयकर चौक पर आयशा जिला सचिव विशाल मांझी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आयशा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी व एपुआ जिला सचिव सनीचुरी देवी ने कहा कि बिहार में लगातार महिला उत्पीड़न की घटना घट रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोई है। उन्होंने कहा कि जब एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ आधारपुर गांव में महिला के साथ अत्याचार हो रहा था, जो कि बिहार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी गुनहगार पुलिस के चंगुल से बाहर है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि स्थानीय पुलिस की संलिप्तता भी है। उन्होंने दरभंगा के पुलिस अधीक्षक से मांग की कि जल्द से जल्द अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए तथा घटना में संलिप्त घनश्यामपुर थाना प्रभारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। वहीं ऐसा जिला अध्यक्ष व जिला सचिव विशाल मांझी ने कहा कि वर्तमान सरकार में अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है, साथ ही साथ महिला उत्पीड़न की घटना पर भी भाजपा जदयू की छुपी खतरनाक साजिश है। उन्होंने कहा कि आधारपुर गांव जो भाजपा समर्थित विधायक के क्षेत्र में है, जबकि विधायक भी महिला ही है, लेकिन आज तक वो इस घटना पर चुप है। आयशा एपुआ नेताओं ने कहा कि अगर आधारपुर की घटना पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विरोध मार्च में संदीप कुमार चौधरी, प्रिंस राज, सनीचरी देवी, मोहम्मद शहाबुद्दीन एवं कई लोग शामिल। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए एमबी न्यूज 27। धन्यवाद। हम लोग आज मार्च निकाले हैं, जो लगातार जो हमारा जुलूम हो रहा है और जुलूम के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम लोग के मुकदमा करता है, मुकदमा करके जेल में डाल देता है। हम लोग कहने के लिए आए हैं, मांग करने के लिए आए हैं, जिस तरह से नंगा करके महिला को पीटा है और शादी जो करवाया गया है उस प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं जो उचित कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग और तीखा आंदोलन के रूप में। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ सनीचुरी देवी और जिला से दरभंगा जिला के जिला। कौन पार्टी से है? कौन पार्टी से? आज दरभंगा में आयशा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपुआ के संयुक्त तत्वाधान में एक विरोध मार्च निकाला गया है। आप जानते हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के आधारपुर गाँव में महिला उत्पीड़न का केस चल रहा था। आधारपुर में एक महिला को सिर्फ इसलिए नंगे करके पीटा गया क्योंकि उस परिवार के लड़के ने दूसरे परिवार के लड़की को लेकर के चला गया और शादी कर ली। निश्चित रूप से कानून में जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से वो परिवार एक महिला के साथ घृणित काम किया है, नंगा करके मारने का काम किया है और एक महादलित परिवार के विक्षिप्त 65 वर्ष के पुरुष से उस महिला की शादी करवाने का काम किया है, निश्चित रूप से ये घृणित काम है। इसके खिलाफ आज एपोआर आयशा प्रोटेस्ट कर रही है और हम मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि आपके नाक के नीचे इतना बड़ा घटना घट गया, आज 3 दिन हो गए हैं लेकिन एक भी अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। निश्चित रूप से अविलंब आधारपुर घटना की उच्च स्तरीय जाँच की जाए और दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। दोषियों को गिरफ्तार करने में जो लगातार लापरवाही बरत रही है, वहाँ की थाना के जो अध्यक्ष है आशुतोष कुमार झा, उनको अविलंब उनको बर्खास्त किया जाए। इन तमाम सवालों को लेके हमारा आज प्रोटेस्ट है। यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है, यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया जाता है, तो हमारी ये लड़ाई और तीव्र होगी और पीड़ित परिवार को न्याय तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी, राज संगति भाई। कहाँ से कहाँ तक मार्च निकाले? मार्च बाबा नागार्जुन प्रतिमा स्थल विश्वविद्यालय परिसर से कॉम्रेड भोगेंद्र झा चौक आयकर चौक तक निकाला गया।